सो एक दिन वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज के दिन हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। लेकिन हमारा जो पिछला वाला बेंटन वाला मोड वाला वर्ल्ड था, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे जब मैं अपडेट कर रहा था तो मेरा पुराना वाला क्या कहते हैं उसे एक सर्वाइवल सीरीज थी, वो भी वो डिलीट हो चुके थे वो वर्ल्ड। और अब ये वाला वर्ल्ड भी डिलीट हो गया था बेंटन वाला। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी एक नई सीरीज शुरू करें, और बिल्कुल अच्छे से हम एक नई सीरीज शुरू करने का। इसको हम बीच में भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने उस वाली सीरीज को बीच में बहुत बार छोड़ दिया था, यानी कि मैं करीब एक एक महीने बाद उसकी वीडियो डालने लग गया था। बट आज हम लोग दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं, और सामने मेरे को डायरेक्ट टेम्पल दिखा, जिसे मैं अभी एक्सप्लोर नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मैं करने वाला हूँ अपनी ओमनीट्रिक्स को लाने वाला हूँ, जो कि कमांड से आती है, जैसे कि हर कोई जानता है। स्लैश गिव एट द रेट एस कुछ लिखा नहीं आ रहा क्योंकि थोड़ी लेट में आता है। ओके एट द रेट एस बेन ओम ओमनीट्रिक्स कैसे लाते हैं भाई, मैं भूल गया ओम। ओके यहीं पर है बेन, हाँ बेन डॉट ओम 7 है बेन, और ये दो डॉट ओम 7। ये आ लीजिए हमारी अल्टीमेट ट्रिक्स, जो कि हमारे पास आ चुकी है, बस आई होगी क्योंकि ये अब लेट रिस्पॉन्ड करता है। और भाई अल्टीमेट ट्रिक्स दिखाई पसंद देती है, स्वयं फायर क्रोमा स्टोन ह्यूमंगस और बिग चिल और मॉलडिको, और ये कौन सा ईटल नेक्स्ट करते हैं, कैनन बोल्ट ट्रिलियन एक्स एनर्जी एक्को एक्को स्पाइडर मंकी ब्रेन स्टॉर्म जेट रे। बट अभी जो मेरे को एलियन चाहिए वो आ चुका है, हमारा डायमंड हेड चाहिए मेरे को। ये बहुत ओपी एलियन है, एक मिनट पहले इसे ऑफ करो। और अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, मेरे को एक विलेज दिख रहा है। भागो भागो भागो, बाहर निकल जल्दी निकल, फिर ड्राउन जॉम्बी का बच्चा था। और सामने मेरे को एक विलेज दिख रहा है, तो मैं उधर ही जा रहा हूँ सबसे पहले। और सबसे पहले हम पेड़ कट कर लेते हैं, क्योंकि यही हमारा मेन काम है माइनक्राफ्ट का। उसके बाद हम अपने लिए डायमंड का आर्मर बनाएंगे, क्योंकि जैसे कि हम सबको पता है कि डायमंड हेड हमें अनलिमिटेड डायमंड देता है इस वाले मॉड में। तो सबसे पहले तो मैं सारा पेड़ चॉप कर लेता हूँ। तो गाइस फाइनली मैंने पूरा पेड़ चॉप कर लिया, और अभी मेरे को ये मॉब्स की आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि मैंने कम कर रखी है। थोड़ी बढ़ा देता हूँ, और देखो थोड़ी ज़्यादा हो गई, कम ही रखता हूँ। और यहाँ से सबसे पहले ये अब बना लो सारी प्लैंक्स, यहाँ से क्राफ्टिंग टेबल, और क्राफ्टिंग टेबल इधर प्लेस करनी है। इसे खोलो, जैसे मैंने इसे क्यों खोला, अभी मेरे को डायमंड हेड चाहिए, हो गया चलो। बट एक दिक्कत आ चुकी है एलियंस में, अब क्या हम उन्हें फर्स्ट पर्सन व्यू में यूज भी नहीं कर सकते, भाई ये क्या दिक्कत है। ओके डायमंड पावर हो गया, ऑफ करो। ओके तो मैंने डायमंड स्पॉन तो कर दिया है, बट अभी मेन बात यह है कि मैं उस पर वो कैसे करूँगा, डायमंड कैसे तोड़ूँगा। सीधी सीधी बात है कि मैं इसे तो तोड़ नहीं सकता हूँ वुडन पिकैक्स से, तो अब मेरे को वो भी लाना पड़ेगा आयरन। तो मैं जल्दी से आयरन भी ढूंढता हूँ, मैं आयरन गोलम को नहीं मारने वाला हूँ। यहाँ पर केव्स होती हैं, तो यहाँ पर कोई केव ढूंढता हूँ। ओके वैसे मैंने सीड डाल रखी है, तो मेरे को पता है कि यहाँ पे केव है जिसमें आयरन मिलता है, इसलिए मैंने स्टार्टर के लिए सीड डाल रखी है। तो ये देखो हम पहुँच भी गए अपनी केव में, यहाँ से पहले आते हैं, देखो यहाँ पे आयरन है सामने, यहाँ से पहले मैं यहाँ से कॉबल स्टोन इकट्ठा कर लूँ। मेरे को बहुत सारे कॉबल स्टोन चाहिए रहेंगे, तो सबसे पहले सारे कॉबल स्टोन में माइंड कर लेता हूँ। तो गाइस ओके अब मैंने 14 कोबल स्टोन इकट्ठा तो मैंने कर लिया है। अब सबसे पहले हम बनाएंगे एक फर्नेस, और यहाँ से स्टोन की पिकैक्स, और स्टोन पिकैक्स से तो मैं माइन करूँगा यहाँ से, सीधी सी बात है आयन। ओके दो आयन है इधर, और देखो अब माइन करते हैं। यहाँ पे देखो मेरे को आयन मिल गया, क्योंकि मैंने सीड पहले भी खेल रखी है, और ये एकदम बेस्ट होती है स्टार्टर स्पीड रन के लिए। और हाँ अभी मैं स्पीड रन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ये सीड मैं ऐसे ही खेल रहा हूँ। हाँ क्योंकि जल्दी हम स्पीड रन भी करेंगे, और वो भी वो क्या कहते हैं उसे लाइव स्ट्रीम में करेंगे स्पीड रन। वैसे बहुत सा आयन है इधर, वैसे आयन भी ठीक है, मैं जानता हूँ कि आयन से हम आर्मर नहीं बनाएंगे अपने लिए, बट
हम लोग इसमें आयन से वो करेंगे, क्या कहते हैं उसे, आयन को स्मेल्ट करेंगे, बट आयन से एनविल भी बनता है, इसलिए जितना आयन हो सके कर लो। तो सबसे पहले मैं यहाँ से बना लेता हूँ स्लैब, क्योंकि अभी मेरे को कोल नहीं मिल रखा है इधर। और मैं स्लैब इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इससे हमारी वुड भी बच जाएगी, और स्लैब और वुड का सेम टू सेम फ्यूल होता है। और ये नल्ला विलेजर यहाँ क्या कर रहा है, तो क्यों कर रहा है यहाँ पे, अरे तो क्या कर रहा है इधर, रुक 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 रुक, देखो मैं भाग नहीं दूंगा इधर से, तू भाग तू भाग अब तू भाग भाग भाई, इतने हिट मार दिए मैंने इसको, नहीं मर रहा अभी भी, ओके फाइनली मरा, क्योंकि विलेजर जॉबलेस होता है, ये कभी जॉब नहीं लेता अपनी। ओके दो आयन हो चुका है, बस एक आयन और चाहिए हमको, हो गए तीन आयन। अभी इन्हें स्मेल्ट ऑन देते हैं, जब तक हम यहाँ से इसे खोलते हैं और यहाँ से बना लेते हैं एक पिकैक्स। ओके अब पिकैक्स पकड़ो, अब हम डायरेक्ट चलते हैं उधर जहाँ पे हमें वो डायमंड रखे थे ना हमने, तो फिर डायरेक्ट हम उधर ही चलते हैं, जल्दी से भाग भाग के जाता हूँ मैं। तो गाइस फाइनली हम इस जगह पे पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से सबसे पहले डायमंड ब्लॉक तोड़ लेते हैं। ओके यहाँ पे कितने सारे डायमंड ब्लॉक है, और हाँ हम इन सब विलेजर को एक जगह पे लेके जाएंगे, गुपचे में लेके जाएंगे और इनसे ट्रेड करेंगे। और इनके लिए जैसे मैंने पिछली बार एक ट्रेडिंग हॉल बनाया था, बट वो मैंने ऐसे ही बनाया था, कोई बढ़िया ट्रेडिंग हॉल नहीं था वो, हम बनाएंगे इनके लिए एक बढ़िया सा ट्रेडिंग हॉल, बहुत बढ़िया, जिसमें हम जॉम्बीज़ को भी ला कर डालेंगे। और जॉम्बीज़ ला कर डालेंगे तो फिर इसका मतलब है कि हमें उन्हें क्योर करना होगा, और उसके लिए गोल्ड चाहिए होगा, गोल्ड से गोल्डन एप्पल बनता है, और गोल्डन एप्पल से हम उन्हें क्योर कर सकते हैं, बट स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस भी चाहिए होता है, तभी मेरे को दोबारा भागना पड़ेगा उधर, क्योंकि मेरी क्राफ्टिंग टेबल भी उधर ही रह गई। मैं भाग रहा था बट मेरा हंगर बार जितनी स्पीड से जा रहा है ना, आई डोंट थिंक कि मैं उतनी जल्दी यहाँ पे सर्वाइव कर पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। सारा ये हेबल थोड़ा यहाँ से तोड़ लेता हूँ, ये काम आ जाएगा हमारे खाने के। ओके अब इधर से भी तोड़ो, इधर से भी तोड़ो, इधर से भी तोड़ो, इधर से भी तोड़ो, क्योंकि भाई मैं भाग बहुत स्पीड में रहा हूँ, और जितनी स्पीड में भाग रहा हूँ उतनी स्पीड में मैं मर भी जाऊँगा। और हम बस उस जगह पर पहुँच चुके हैं, तो जल्दी से मैं उधर पहुँचता हूँ। फाइनली हम इधर पहुँच चुके हैं, रुक जा तेरे को मैं कुक कर दिखाऊँगा, रुक 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 रुक, ओके से मारा। अब मेरा हंगर बार तो लगभग जा चुका है भाई, जल्दी से पहले यहाँ से आयन उठा लो, और ये जो पॉर्क चॉप रख दो, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, यहाँ से पहले मैं बना लेता हूँ वीट, जितनी वीट बनती है पहले मैं बना लेता हूँ। और भी सारी वीट बन रही है भाई, लगभग 2 स्टैक वीट बन चुकी है, और यहाँ से पहले सारे ब्रेड बना लेता हूँ। ओके अभी के लिए 27 ब्रेड काफ़ी है, और यहाँ से पहले मैं ब्रेड खा लेता हूँ। ओके फाइनली हमारा हंगर बार फुल हो चुका है, यहाँ से ये उठाओ, अपना सारा बोरिया बिस्तर तोड़ो। ओके और भाई रात भी होने वाली है, ओके रात भी होने वाली है, तो जल्दी से पहले यहाँ से क्राफ्टिंग टेबल तोड़ो, टूट। ओके मैं फंस गया, मैं जाने वाला हूँ भाई, मैं गया, मेरे को लग रहा है मैं पहले दिन में ही जाऊँगा, तो मैं जल्दी से घर चूज कर लेता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं घर में पहुँच चुका हूँ, रात हो चुकी है। ओके तो इसे हम अपना घर बना लेंगे, यहाँ पे खाने को भी बहुत कुछ है भाई, यहाँ से पहले सारे ब्रेड अपने साथ रखूँगा, सैपलिंग भी रख दो इधर, यहाँ पे अपना थोड़ा बोरिया बिस्तर बांध लेते हैं इधर, यानी कि बांधना नहीं, यहाँ पे हम अपना बोरिया बिस्तर रख देते हैं, यहाँ पे रखो इसे। और यहाँ से पहले मैं बना लेता हूँ डायमंड्स, ढेर सारे डायमंड्स, भाई शुरुआत ही हम डायमंड से हुई है भाई, कितने ब्लॉक माइन करे थे मैंने, 16 ब्लॉक माइन करे थे ना मैंने, उससे इतने सारे डायमंड बन चुके हैं, और सारे डायमंड हो चुके हैं हमारे पास। ओके पहले सारा आर्मर मैं कवर कर लेता हूँ, और मेरे पास डुप्लीकेट हो जाती है ये मैं जानता हूँ, मेरे को ये पहनने नहीं है, क्या कहते हैं उसे, अब ये डुप्लीकेट कर दिया मैंने। अब यहाँ से पहले मैं सारी चीज़ें बना लेता हूँ, सॉल्ड और थोड़ी वो चीज़ होंगी, क्या कहते हैं स्टिक्स, एक एक्स और एक कैक्स। और पहले सारा सामान मैं इस चेस्ट में रखता हूँ पुराना वाला, ये कुछ आयन इनगट, ये कुछ ये भी रख लो भाई, मैं बहुत अमीर बन चुका हूँ पहले ही दिन में हो चुका है। यहाँ पे रखो ये अल्टीमेट्रिक्स, एक अल्टीमेट्रिक्स अपने साथ रखनी है, इसे भी, अरे मैं इसे क्यों रख रहा हूँ,
आयन की पिकेक्स, जाओ उधर इसे करो। अरे चले जा। हाँ चलो, अब हम एक बार अपने आप को देखते हैं। तो गाइस हम डे वन गए, नहीं डे टू हो चुका है, और डे टू की सुबह को ही हमने अपने आप को डायमंड में कवर कर लिया। और मैंने यहाँ पे कुछ बेड तोड़ दिया है, हाँ मैंने एक बेड तोड़ दिया है, कोई नहीं, इसे मैं दोबारा लगा देता हूँ, मैंने लगा दिया। ओके तो अब हमें थर्ड पर्सन में खेलने की आदत डालनी होगी इस बेंटन मोड में, क्योंकि हम थर्ड पर्सन में खेल पाते हैं। ओके ग्लिच के बाद वैसे हम अपने आप को डायमंड में कवर कर चुके हैं, और ये मत समझना कि अभी हम एपिसोड एंड कर रहे हैं, बट नहीं, अभी आगे कंटिन्यू करना है हमको। अभी हमें थोड़ा आयरन ढूंढना है, बट आज के दिन को नहीं ढूंढूंगा मैं आयरन, क्योंकि ना आयरन, क्योंकि आयरन विल के लिए ढूंढना है मेरे को, अगले परसों एपिसोड में ढूंढूंगा। अभी हम जा रहे हैं उस डेजर्ट टेम्पल को एक्सप्लोर करने, तो चलो पहले मैं अपने फर्स्ट पर्सन में आ जाता हूँ। गाइस मैं फर्स्ट पर्सन में आ चुका हूँ, और अब बारी है अपने इस घर को छोड़ने की। और एक बार मैं 7 अटैक डैमेज है मेरी डायमंड शॉर्ट का, डायमंड एक्स का 6 अटैक डैमेज है। वैसे मैंने सुना था कि डायमंड एक्स खतरनाक होती है, बट ये तो इतनी खतरनाक है ही नहीं। अरे अरे मैं गिर गया। अरे भाई बाहर निकलो। अरे यहाँ से पहले मैं थोड़े जानवर भी मारूँगा, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादातर नॉन वेज ही खाऊँगा। और यहाँ पर सामने कुछ जानवर भी दिख रहे हैं। रुक भाई, डायमंड शॉर्ट तो बहुत खतरनाक है यार, एक हिट में मार रही है सबको। अब मेरे को लूटिंग 3, भाई गिरते गिरते बचा। मेरे को लूटिंग 3 वाली एन्चेंटमेंट भी चाहिए, कि लूटिंग 3 से क्या होता है, लूटिंग 3 से हम जल्दी एंडर ड्रैगन, विदर, इन सब को मारेंगे। अब मैं एक बार एक्स देखता हूँ। रुक रुक भाई, एक्स भी खतरनाक है, ऐसी बात नहीं है, एक्स भी बहुत खतरनाक है। बट मैं ये क्या पागलपंती कर रहा हूँ, वापस जाना पड़ेगा 2 मिनट किसी विलेजर के घर में। यहाँ से मेरे को ये चीज़ चाहिए थी, ये वस्तु मेरे को चाहिए थी, यहाँ से भी उठा लेता हूँ, नहीं एक जगह पे रहन देता हूँ, बेचारे को ज़ॉम्बी मार देंगे। मेरे को एक चीज़ चाहिए थी टॉर्च, क्योंकि अभी मेरे पास कोल नहीं आया है जिससे मैं टॉर्च, भाई मेरे को देख के गेट बंद कर रहा है बंदा। एक बार इसकी ट्रेड देखते हैं, ट्रेड क्या कर रहा है भाई, तू दिखा तो क्या ट्रेड कर रहा है। कोल के बदले एमरल्ड, भाई एमरल्ड तो मेरे पास कोल तो अभी है नहीं, बट जल्दी मैं तेरे साथ ट्रेड करूँगा। अगर तू भी डायमंड के बदले एमरल्ड देता ना, तो मैं तेरे साथ बहुत अच्छी ट्रेड करता। वैसे यही वो बंदा होता है जो मैं डायमंड के बदले एमरल्ड भी देता है, क्योंकि ये भी डायमंड के बदले एमरल्ड देता है हमको। और अभी इस घर के अंदर जाकर देखे क्या, ओहो मिल गई टॉर्च, एक टॉर्च यहाँ से भी उठा लेते हैं। आई थिंक कि हमारे लिए 3 टॉर्च काफ़ी होंगी, हाँ वैसे काफ़ी है। अब चलो हम डेजर्ट टेम्पल की तरफ चलते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं डेजर्ट टेम्पल में, और यहाँ पे मेरे को कुछ रैबिट दिख रहे हैं जिन पे मैं स्नेक अटैक करने वाला हूँ। बचो भाई बचो। भाई मर गए, नहीं मरे भाई। रुक भाई, छोड़ो इनको, मैं तो इनको कभी पकड़ नहीं पाऊँगा। अंदर घुसते हैं, यहाँ पे लगाओ एक टॉर्च, दूसरी टॉर्च, एनीवन इज हियर, हेलो, नहीं है ना भाई कोई, ठीक है, अच्छा हुआ ये मेरी टॉर्च उधर नहीं गिरी। यहाँ से अब मैं साइड से जाता हूँ ना, ओके साइड से जाना है, गिरना नहीं है। ओह भाई, ओके टीएनटी नहीं चालू है, यहाँ से पहले सारे टीएनटी उठा लेता हूँ मैं। ओबे खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भाई ये चालू कैसे हुए, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है। एमसी कुकिंग वाज ब्लोन बाय द ब्लॉक ऑफ टीएनटी, भाई ये चालू कैसे हुए मेरे को समझ नहीं आ रहा है। भाई मैं उसके साइड से गया था, ये चीटिंग होती है भाई, ये चीटिंग करता है माइनक्राफ्ट। अच्छा हुआ जो मेरे पास यहाँ पे अभी ये अपना डायमंड्स थे, और आयन की पिकैक्स भी थी, जिससे मैंने अपने लिए डायमंड का पूरा आर्मर दोबारा से बना लिया है। भाई फिर भी यार ऐसे कैसे चालू हो गए, मैं तो पहले डर गया भाई, पहले दिन ही मेरे को उड़ाने की तैयारी कर रहा था माइनक्राफ्ट। वैसे सच में मैं अभी भी डरा हुआ हूँ भाई, वो चालू कैसे हुआ। मैं उसके साइड से गया और वो चालू हो गया, तो ये तो चीटिंग होती है ना। अब हमें दोबारा से वुड कलेक्ट करनी होगी, क्योंकि हमें टूल्स भी बनानी है डायमंड के, और ये मेरे को सबसे बकवास लगता है। ऐसे 3 वुड काफ़ी है मेरे ख्याल से,
ओके भाई, वैसे चीटिंग होती है ये, चीटिंग जैसे आकर ऐसे थोड़ी ना बच्चे को आके डरा देते हो या तो कभी। ओके तो यहाँ पे मेरे पास स्टिक है क्या भाई? प्लैंक्स भी पहले से पड़े होते हैं यार, मैं क्या देखूँ, देखता नहीं यार। ऐसे पहले एक सॉर्ड बना लेते हैं, हो गई स्टिक, स्टिक से पिकैक्स और एक एक्स। वैसे वुड तोड़ने का फ़ायदा क्या हुआ? वैसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ वुड तोड़ने का। और ठीक है, वैसे भी आज का एपिसोड तो बहुत ही बढ़िया था। डे 1 डे 2 में ही मैं मर गया, और वो भी किससे? TNT से। भाई भाई रुको 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 रुको, मेरे को कुछ दिख रहा है, ग्लो स्क्विड। भाई ग्लो स्क्विड है यहाँ पे। ओ भाई ऊपर, भाई भाई बबल 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 बबल। और यहाँ पे अभी हम गाइस थोड़ा खाना इकट्ठा कर लेते, क्योंकि अब हम मांसाहारी बनेंगे ना कि शाकाहारी। वैसे ब्रेड तो मैं खाऊंगा, बट कोई नहीं, हम यहाँ से थोड़ा फूड और भी कलेक्ट कर लेते हैं पर्पस ऑफ इमरजेंसी। ओके तो हम सारा फूड कलेक्ट करते, जितने भी जानवर है सबको मारेंगे अभी। First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. तो गाइस अब मेरे पास थोड़ा ज्यादा खाना इकट्ठा हो चुका है, और मैंने रिप्ले पे देखा कि वहाँ पे तो यहाँ पे मेरे को ग्लो स्क्विड दिखे थे ना, उधर मेरे को वो भी था, क्या कहते हैं उसे, वहाँ पे थोड़ा कोल भी था। और यहाँ पे मेरे को लेदर का कुछ मिल रहा है, लेदर का आर्मर। वैसे आप लोग सोचोगे कि ये लेदर का आर्मर मैं क्यों ले रहा हूँ? वैसे इसके पीछे कोई खास कारण नहीं है, इसके लेने का बस एक कारण है, क्योंकि मैं इसे डाई करना चाहता हूँ। वैसे मैं इसे पहनूंगा नहीं, मैं बस ऐसे ही देखना चाहता हूँ कि कैसा लगता है। वैसे मेरी आवाज़ को क्या होता है, तो पहले मैं यहाँ से फूड मैं क्यों खा रही हूँ यार, कुछ नहीं खाना मेरे को। यहाँ से मैंने घी उठा लिया, और मैं भी ब्रेड वेड खा लेता हूँ, क्योंकि इनको मैं कुक करके खाऊंगा, जो कि मेरे को उसी आदमी घर से मिल गई थी। यहाँ से खा लो ब्रेड। ओके वैसे वो लेदर वर्कर है जहाँ तक मेरे को पता है, और वो लेदर के बदले हमें एमरल्ड देता है भाई, इतना मैं जानता हूँ। यहाँ से पहले ये रहा हमारा फ्लावर, ऑक्सीडेजी लाइट ग्रे डाई बनी है। अब अगर इसे मैं पानी में डालूँगा और फिर लेदर ट्यूनिंग करूँगा, और हमारी ग्रे ट्यूनिंग बनी है। ठीक, वैसे कुछ खास नहीं है, ठीक है। और ये बंदा भी वही है, और यहाँ से भी उठाओ, यहाँ से भी कुछ लेदर मिल चुका है, और लेदर का आर्मर और मिल चुका है। जिसमें उसमें अरे ब्रेड आ जाए, मिल जाओ, जैसे डबल टैप कर जा रहा हूँ। ये अलार्म भी इसी के पास रख देते हैं। ओके चलो, और फिर चेस्ट, वैसे इसे ट्रेड करके देखता हूँ। वैसे मैं जानता हूँ कि ये ट्रेड में क्या देगा, जैसे कि मेरे को पता था यह मैं दे रहा एमरल्ड। हमने कैमरे ले लिया इसे, और अब हम, ओ भाई भाई, ओ भाई आत्महत्या की तैयारी कर रहा है क्या सोच रहा है भाई? ये तो फुल्ली वो कर रहा है कि आत्महत्या करूँगा, आत्महत्या करूँगा। ये बंदा तो वॉइड में खड़े हो रखा है, यानी कि जहाँ से मर जाएंगे, बट कोई नहीं। ओ भाई भाई कूल 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 का नाम लिया कूल। हाँ जी, ओके यहाँ से कूल खा लेते सारा। गाइस फाइनली मैंने सारा कोल भी इकट्ठा कर लिया, मेरे पास टोटल 20 कोल हो चुका है, और ये बहुत बड़ा मैदान है वैसे घर के बनाने के लिए। तो एक काम करते हैं, अभी हम थोड़े काउस मारते हैं, क्योंकि हम उससे थोड़ा ट्रेड कर लेंगे। आज हम थोड़ा ट्रेड कर लेते हैं, चलिए भाई काउ तो जा, क्योंकि काउ हमें लेदर देती है, और काउ जैसे बहुत सारे जानवर भी हमें लेदर देते हैं, जैसे कि एक लामा होता है, हमें भी चांस होता है उसका लेदर देने का। चलो एक बार मैं सारी माउस को ढूंढता हूँ, और ज़्यादा हम चावल ही बनाएंगे, तो फिर से थोड़ा हम लग जाते हैं हैंड पे। जानवरों को मारा, और मेरे को उनमें से कुछ आर्टी लेदर मिला है, जिससे हम अभी विलेजर के साथ ट्रेड करने वाले। और सामने भी एक काव है, मेरे को लगता है कि इन्हें लूटिंग से मारना पड़ेगा यार,
लेदर की बहुत किल्लत हो रही है इधर इस वर्ल्ड में, लेदर की किल्लत है, डायमंड की बारिश और लेदर की किल्लत। आज हमें एक ऐसी चीज़ के लिए किल्लत हो रही है ना इस जगह पे। यही है वो बंदा, तो उससे हम ट्रेड भी कर लेते हैं। ओके, तो हमें और सारे लेदर की ज़रूरत होगी, बट कोई नहीं, इसे ट्रेड हम अगली वीडियो में करेंगे। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी काम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।